गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के द्वारा वर्ल्ड वॉरियर मार्शल आर्ट्स क्लब के माध्यम से बक्सीडीह रोड में एक क्लब का उद्घाटन कराया गया। गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के सचिव कामेश्वर कुमार, बीजेपी यूनियन के नेता राजेंद्र प्रसाद महतो, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा और गिरिडीह राइफल क्लब के सह सचिव विकास कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर क्लब का उद्घाटन किया। इस क्लब को खोलने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति रुझान दिलाना और राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक स्तर पर मेडल लाकर भारत को एक नई पहचान दिलाना है। मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह राइफल क्लब के सचिव रवि कुमार, अमित कुमार सिंह, गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के आशुतोष सिन्हा, मनीषा सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। मौके पर तमाम लोगों ने गिरिडीह में कुरास खेल के विकास पर अपनी राय रखी। इस क्रम में कहा गया कि यहां के खिलाड़ी प्रतिभावान हैं, जल्द ही यहां से भी खिलाड़ी निकलकर जिले का नाम रोशन करेंगे। गिरिडीह में एक अच्छे खेल की शुरुआत हुई है, इसको कुरास कहते हैं। इस खेल की खासियत यह है कि खेल के साथ साथ आप अपने सेल्फ डिफेंस का भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसते हैं या आपको परेशानियाँ होती है तो इतने आसानी से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह का खेल क्योंकि बहुत ज़रूरी है आए दिन, क्योंकि मेरे समाज में हमारी बच्चियाँ या महिलाएँ या वैसे भी लड़के जो कॉलेज जाते हैं या कहीं चले जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी या सरकार की व्यवस्था नहीं होती है, तो वैसे स्थानों पे ये जो खेल है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसलिए इस तरह का खेल मुझे आने का मौका मिला, इसमें भाग लिया, कुछ भाग में आने का मौका मिला और भाग लेने का मुझे काफ़ी खुशी है। मैं बच्चों से और इनके डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी जो काफ़ी सोच समझ कर लाए हैं, मैं आश्वस्त किया हूँ कि अगर मेरी कोई सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। आप इस खेल को बढ़ावा दें, निश्चित रूप से समाज का एक अंग है यह, मतलब जिस तरह आप अन्य चीज़ों को लेके चलते हैं उसी तरह से अगर यह सीखता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पुनः इस संस्थान को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने जो लिंग यहाँ पर लाया है इस खेल को, इसको बढ़ाएँ और अच्छे से ढंग से लोगों को सिखाने का।